दिल्ली जेल में वो। अरे कंट्रोल करो सूफी भाई, थोड़ा कंट्रोल करो, तुम तबीयत खराब कर अरे तो लोगे तुम्हें बताओ ना चाचा, ये इतना। भोसड़ी का रंडवा है मारे जो, इसके घर में कोई औरत नहीं है, ये सबको लुली दिखाएगा क्या? देख लो सब लिख रहे संजय में दम है भाई, संजय भाई सिस्टम फाड़ देगा भाई, देख लो देख लो भाई। नीचे मैं अपने से नहीं बोल रहा, गोली की बात करते मादर चोद, गोली वोली की बात नहीं होती है। तो मुझे कहा भैंस और तेरे से कुश्ती करनी है मादर चोद, तुम्हारा बाप तो पित्तल भरेगा, आ जाओ। अब तो भाई दूर की लड़ाई है, कुश्ती की लड़ाई वो चली गई। भाई चाचा ये इंस्टाग्राम खून मांग रहा है, अब देख लो बहन उठ जाएंगी यहाँ पे। चौदह हवा बाजी भी हवा बाजी। हाँ मेरे को बहन का चौदह बिड़वा रहा है लोगों के साथ, इसका नाम ले रहा है, उसका नाम ले रहा है, तेरी माँ की चूत, हम क्या दूध पीते बच्चे हैं क्या? हाँ हम लोग भाई जो दूसरे लड़कों भाई उनकी रिस्पेक्ट करते हैं ना, उन्होंने हमें कभी गलत बोला ना, हम कभी किसी का उनका नाम लेंगे कभी भी जिंदगी में। चाचा ये होती है एक पॉलिसी, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, इज्जत दो और इज्जत लो, सिंपल, समझ रहे? ये भेड़ जो, अरे भाई सुमित काना, अरे सूफी काना ऐसे भाई, सूफी का ऐसे है, सूफी का ऐसे है भाई। हाँ सुमित ऐसे बोल रहा था, सूफी ऐसे बोल रहा था, बहन के चोदे तेरी गांड में दम, मैं तो लाइव चला के बोलना, नाम लेके बोल मेरा, इसको आगे कर दूं उसको आगे कर दूं, हाँ इसका फ्री में खा लूं उसका फ्री में खा लूं, फिर बाद में बोले भाईचारा भाईचारा। अरे चूतिया हराम का खा रहा है हराम का, नल्ले अगर चुप रहता इज्जत में रहता तो भाई तेरे पर्दा बंद रहता भाई, ढका रहता भाई, हम भी कहते चलो भाई अपना भाई है भाई, चलो हमें किसी की, तूने मेरे को आके पकड़ा, तूने मेरे को आके गाली दी, अब तेरी बैंड की चूत में उंगली डाल दूंगा देखियो। अरे उन्हें लाइव पे बुलवाओ ना, बुलवाओ, बात करो आप उनसे, आपको क्या बात कर रहा गुस्सा है, कितना ज्यादा ही आ तगड़ा रहा। मादर चौधरी ने ब्लॉक करके रखा है, छोटी छोटी लाइन में जाके भोसड़ी वाले वहां ग्रुप में बैठ के गालियां देते हैं, चप्पल दिखा दिखा के तुम्हारी माँ की चूत भोसड़ी वालों। मैं तो समझा था कि तुम कोई छोटा वोटा 315 दिखाओगे, 9 mm दिखाओगे, अभी तुम आओ ना तुम्हारे बाप जयपुर में दिखाता है, छोटी लुली नहीं मादर चौधरी, तेरे को कैसा लन दिखाता हूँ तेरी माँ की चूत, और तेरी तो भाई माँ ये को तेरी बहन को तो चोट चोट के मार दूंगा मादर चौधरी, आओ तुम। इतनी सी लुल्ली भैंचोद सुमित की, इतनी सी लुल्ली भैंचोद की, इतनी सी लुल्ली वो तो ना नारंग दे रहा तो भोसड़ी के, और रोकी भी वेट कर रहा है जयपुर वाला है, रोकी सिंह भी तेरा वेट कर रहा है, दुआ मैं तो ओ पीछे भाई, पीछे खड़ा रहूंगा, हाँ तो पीछे ही खड़ा रहेगा ना गंडवे, हाँ अच्छा ऐसे बोला इसने पीछे सॉल्व खड़ा, मैं दूसरे पीछे चप्पल करो खोलूंगा, मैटर, सॉल्व करो सूफी भाई, सॉल्व करो सुमित भाई से भाईचारा मैटर। बोलते ना, पीछे से सपोर्ट करूंगा, तुम लोग मारो मैं पीछे खड़ा रहूंगा, अरे तेरी माँ की चूत गंडवे, तू पीछे खड़ा रहेगा। पनौली भाई को ले लो, वो ही करवाएंगे मैटर सही, वो समझदार है। पनोड़ी भाई ये हाँ मैं पनौली पीछे भाई खड़ा, थोड़ा समझदार है, ये मैटर खत्म करवा सकते हैं। कौन कौन चाचा? चाचा? अरे अरे पनोड़ी भैया सही सही देखो पनौड़ अपने भाई, राजस्थान बॉर्डर देखो, हिम्मतनगर आ गया, मैं यहाँ से 7 किलोमीटर ही है, अभी 50 हुई है, अब बोलो मादर ओहो तुमको आना है कि नहीं आना है, ये 50 किलोमीटर ही अभी। अरे ये नल्ले नहीं आएंगे भाई, तू वो अपना फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है, इन लोगों को आना होता तो कब के आ जाते भाई ये लोग। भोसड़ी वाले और चूतियों मतलब, तो तो ठीक है मैं तो आगे बढ़, एक मिनट सुभी भाई, फोन आई यार, एक तो फोन बहन चोद, अभी क्या हुआ कि मेरे को ये बात बताई कि ऐसे बात हुई कि पनोड़ी भाई आप बताना, वो मैं पीछे हाँ खड़ा रहूंगा कि क्या स्टोरी है, पनोड़ी भाई आप बताओगे तो मजा आएगा भाई, सबको बताओ मैं पीछे खड़ा रहूंगा कि क्या स्टोरी है बताओ। देखो भैया वो बॉर्डर देखो, ये देख सकते हो भाई ना पनोड़ी संजय भैया, भाई ये बॉर्डर है, ये अपने गुजरात की बॉर्डर रहती है। एक मिनट पनोड़ी भाई आप बताओ क्या स्टोरी है भाई। भाई स्टोरी ये है कि कल ऐसी बात हुई रिपोर्ट थी, करो रिपोर्ट, हाँ बताओ कल ऐसी बात हुई थी तो सुमित भाई ने बोला, सुमित ने साफ साफ बोला कि
कि भाई वो जयपुर बुला रहा है संजय, तो तुम लोगों को जाना चाहिए, उसने गोल्डी हरसाना को बोला, सुमित ने। तो अच्छा कहाँ भाई पे बोला? खोलती हरसाना, खोलती हरसाना भड़क गया। खोलती हरसाना ने ऐसा बोला कि बहनचोद हम क्यों जाए, तू क्यों नहीं जा रहा है, तेरी माँ चुदवाने। तो सुमित ने ये बोला कि भाई मैं आऊंगा लेकिन मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा, क्योंकि तुम तो बदमाश लोग हो ना। तो भाई ऐसी बात हुई थी, सुमित ने बोला कि मैं आऊंगा लेकिन मैं पीछे खड़ा रहूंगा। लेकिन भाई मैं इस बात से अग्रीड हूं, क्योंकि सुमित तो बदमाश नहीं है ना। सुमित कहाँ बदमाश है, सुमित तो बदमाश नहीं है ना सूफी भाई। हाँ, चाचा 1 मिनट मैं आपको लेता हूँ। रान चाचा हाँ बिल्कुल 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 बदमाश तो बताइए। ये लोग हैं। गन बड़ी पिस्तौल है वो भोसड़ी वाला है। सुधी भैया मेरा भी 2 मिनट नेट जाएगा, आगे बोल रहेगा तो देख लेना। भाई मैं गोल्डी अर्चना की अभी लाइव पे जाके आया। गोल्डी अर्चना ऐसा बोल दिया, गोल्डी अर्चना ने लाइव पे 500 लोगों के सामने, कि भाई मेरे को किसी को कुछ मिलना नहीं है, ना ही तो मेरे को किसी का कुछ नाम लेना है, इधर से मैटर खत्म। हाँ क्या बोला, क्या बोला? कि मेरे को हमारे लोगों को ना ही तो किसी को कुछ मिलना है, ना ही तो किसी से कुछ लेना देना है, बात अरे खत्म। वो बंदा तो बोल हम रहा क्या है यहाँ गायन बनाने आए? सब लोग क्या जयपुर गायन बनाने जा रहे क्या? अब भाई, वो तो मुझे नहीं पता। मैंने गोल्डी भाई को बोला कि गोल्डी भाई इम्प्रेशन क्यों डाउन कर रहे हो, मिल लो। बोलता है हमारे को किसी को कुछ मिलना नहीं है और हमारे किसी को कुछ लेना देना नहीं है, जिसको जो बोलना है बोले, हम लोग तो अरे फिर हम क्या, मोटे तुझे बोल लेना चाहिए था अरे कि तुम मेरे लोग को तो स्टोरी लगा दो कि तुम हवाबाज हो, तुम लोग साले हवाबाज हो, तुम लोगों की गांड फटती है। अरे पनौड़ी भाई मेरी कुचाई करने के लिए तो यहाँ पर आ रहे थे सब लोग। सूफी को कुचेंगे, सूफी को पीटेंगे, खोलती हरसाना ने तो ऐसा बोला है कि मैं सूफी को जिंदा मार दूंगा। दोनों को बताओ न्यू बताओ फिर और जो गाली मेरे क्यों दे रहे पास हो? हो। पीछे से गाली क्यों दे रहे हो? नहीं मिलना है तो वो गोल्डी अर्चना ने ऐसा ऐसा बोला कि हमारे को किसी को से कोई लेना देना नहीं है भाई, हमारे को किसी को हमारी किसी लाइफ को पे आके किसी को बोलना। कुछ मिलना मिलना नहीं है। अरे उसको बोल हमारी लाइफ पे बोल, हमारी लाइफ पे तो उसने धमकी दी थी मेरे को, पनोड़ी भाई को भी बोला था उसने और संजय भाई बोला को भी था, बोला था। अरे उसने तो पर्सनल कॉल में ये मोटे के सामने भी बोला हुआ है कि मैं सूफी को जान से मार दूंगा। तो मार देना। अरे तेरा बाप भी सिक्सर लेके बैठा इधर, पूरा नहीं दिखाऊंगा, लाइफ बंद हो जाएगी। सिक्सर लेके बैठा तेरा बाप भी लसनसी, और मैंने कमिश्नर ऑफिस में रिपोर्ट भी करा के रखी है पूरी, नाम वाम सब दे के आया हूँ। मेरी जान को खतरा है भाई, मेरी सामने भी जिस दिन आ गए ना, मेरे मेरे शहर में भी इन्होंने पैर रख दिया, और कभी भी आ गए भाई, राइट तो मेरे पास अधिकार है सेल्फ प्रोटेक्शन का, समझ रहे हो? आज मैं भी बेबीलोन विलेज में कंप्लेंट करूंगा कि मेरी भी जान को खतरा है। हाँ पनोड़ी भाई वो कर दो और लाइसेंस ले लो। तुम्हारी भी मेरे जेनी बच्चों सुपारी निकाली है। मेरे छोटे छोटे बच्चों को क्या होगा? इसको रोटी कौन खिलाएगा? मादर चोत तेरी बहन का भोसड़ा, तेरी गांड में मादर चोत बहन के लड़े पित्तल भर दूंगा। बहन के चोदे सुमित नारंग, मेरा रिश्तेदार ये, मेरा रिश्तेदार वो, भोसड़ी के तेरे रिश्तेदारों ने देखी तेरी वीडियो, तेरी करतूते देखी? हाँ हमारे ये रिश्तेदार हैं, हमारे वो रिश्तेदार हैं, देखी तेरी हरकतें तेरे रिश्तेदारों ने कुत्ते? तेरी मारू बहन का भोसड़ा साले नकली बहन चोद, करण जौहर दिल्ली के करण जौहर, बहन चोद हिजड़े साले कुत्ते। बताओ पनौड़ी भाई इसको बहन के लोड़े को कोई पूछो, दिल्ली के करण जौहर को, हिजड़े को, कान में 6,000 रुपए नहीं मेरे मुंह पे मारे तेरी बहन की चूत साले रंडी के बच्चे।
दे 6000 रुपए तेरे बाप के 6000, इसके बाद बहन चौथ भिखारी है ये पनोड़ी, ये खाली लिफाफा है बहन का लोड़ा, सिस्टम चाल। अरे फोटो एडिट कर करके बहन के लोड़े तू डाल रहा है कभी किसी, अरे अरे जाके भाई, अरे चुप, जाके YouTube पे सर्च करो ग्रीन स्क्रीन क्या होती है, ग्रीन स्क्रीन GREEN ग्रीन, ग्रीन स्क्रीन क्या होती है, उसके ऊपर फोटो एडिट कर करके ये डालता है सेलिब्रिटीज के साथ और लड़कियों के साथ शोषण करता है ये मादर चोद। वीडियो बना देंगे, सिस्टम पार देंगे, तेरी बहन की चूत, साले रंडी के बच्चे, तेरे पास खाने के लिए चखने के लिए बहन के लोड़े, तू बहन के चौदे क्या खा रहा था उस दिन सड़क पे ढाबे के ऊपर बैठ के, मशरूम मशरूम खा रहे मशरूम, इतनी सी लुल्ली तेरी, इतनी सी लुल्ली बहन के लोड़े, गंदे मादर चोद, आधा इंच तेरी लुल्ली कम होती हिजड़े उठा के ले जाते तेरे को, हिजड़े उठा के ले जाते, बोलता ये हिजड़ा है हमारी बरादरी का, इसको ले चलो, आधा इंच लुल्ली, इतनी सी लुल्ली बहन चोद, किसकी तेरे को शर्म नहीं आई। और बहन चोद लाइव के ऊपर लड़कियां बच्चे सब लोग बैठे रहते, तेरी माँ को चादू रंडी के बच्चे, तेरे को शर्म नहीं आई लाइव के ऊपर, तू बहन चोद नंगा और है लड़कियों और बच्चों 99, के सामने 99. मारो इसका लंड इसके माथे पे पनोड़ी भाई, मादर चोद की का, रंडी के बच्चे की का। अरे क्या यार, मेरा तो सारा एक्साइटमेंट खत्म हो गया बहन चोद, चलो जयपुर का नारा चल पड़ा था वो चोलती अरसाना, तो भाई गांड फट गई उसकी तो, आके मिल तेरे बाप को, तेरी माँ के भोसड़े में दम है ना, तो मिल तेरे बाप को आके इधर भाई, देखो ये बंदा तो राजस्थान पहुंच गया यार, भाई संजय भाई मर्द निकला, संजय भाई असली मर्द है इंस्टाग्राम में, बहन चोद इस बंदे ने जो बोला वो करके दिखाया भाई, चलो चलो बहन चोद, चलो जयपुर का नारा जो था इसमें संजय की जीत होती है एक तरफी, संजय इस युद्ध में कामयाब हुआ, भाई संजय को मैं इंडिया जब आऊंगा तो मैं उसको मेरे हाथों से मैं संजय को एक धनुष दूंगा, भाई ये बंदा इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा योद्धा निकला के लोगों की गांड फट गई, भाई संजय सही में भाई तू हवाबाज नहीं है, तू सही में जो बोलता है वो करके दिखाता है भाई, सब लोगों को समझ में आ गया, नहीं नहीं अब तो अब तुम अब तू, अरे नहीं 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 संजय भाई अब तुम 1700 लोगों के सामने अब तुम ये जयपुर का मिशन रोक दो, यही हुक्म की तामीन है, अब तुम अपने घर के तरफ यानी कि आपको अब जयपुर में जाना है तो एंजॉय करके आप अपने घर के वापिस चले जाओ, क्योंकि भाई इन लोगों की गांड फट चुकी है, इन लोगों का कुछ वैल्यूज नहीं है, इन लोगों की, इन लोगों के वर्ड्स की कोई वैल्यूज नहीं है, ये लाइव पे भी मुंह चोदी करते हैं और रियालिटी में भी मुंह चोदी करते हैं, ये सिर्फ मुंह चोद लोग है, उन लोगों की कोई औकात नहीं है, कोई औकात भाई। दूसरी बात, मैंने अभी सूफी भाई की लाइव पे मैं बोल रहा था और आपको भी क्लियर करता हूँ कि ये बिग डैडी का मेरा भाई ऑनर है, ये वो है, वो जो बोलता है बातें सब गलत है, बिग डैडी का ऑनर राकेश है, राकेश से मेरी बात हुई, राकेश फिलहाल लंदन में है, राकेश चार दिन बिजी है, चार दिन के बाद राकेश आपकी लाइव पे बैठेगा और पूरा उसका बिग डैडी का खुलासा करके जाएगा। अच्छा बाप को मैंने ना सड़क से उठा के अपने घर और सब लोग मलाइका तुम्हारा बल्लू भी हवाबाज निकला, तुम्हारा बल्लू भी स्पीच दिखाकर भाग निकला, तो अब ये मिशन को यहीं पे रोकते हुए भाई बल्लू और ये क्या नाम है इसका, खोलती हरसाना
आज के बाद तुम संजय को गाली मत देना, तुम लोगों की सारी हवाबाजी निकाल दी है संजय ने। संजय आया था तुम लोगों को मिलने के लिए, अब पूरे इंस्टाग्राम में सब लोगों को पता चल गया कि किसका टोरा चाले से और किसका सिस्टम चाले से। वो भाई मैं नीचे मैं ये चाहता हूं कि नीचे तुम सब लोग कमेंट्स में लिख के बोलो किसका टोरा चाले से किसका सिस्टम चाले से प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपना म्यूट कर ले मोटे भाई। मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग नीचे लिखो किसका सिस्टम चाले से किसका टोरा चाले से प्लीज प्लीज। सब लोग नीचे लिखो भाई। पनवारी भैया मैं पीके सो जाता हूँ अब तो राजस्थान बॉर्डर पे। हाँ भाई अब तुम यूटर्न ले लो। नहीं लूंगा मैं, सुबह जाऊंगा ना उदयपुर, मतलब अभी पीके सो जाता हूँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, उदयपुर तक तो मैं घूम सकता हूँ ना। इस बंदे को ना भाई पनवारी भाई नहीं नहीं भैया बात भाई बड़ी आदमी मिला भाई इसको भाई कम से कम 5 तोले की सोने की चैन डालो पनवारी भाई आप अपनी तरफ। भाई संजय को मैं जब भी इंडिया आऊंगा संजय को मैं जब भी इंडिया आऊंगा भाई मैं संजय को पक्का मिलूंगा भाई। संजय तुम्हारा टोरा पक्का चाले से भाई। संजय तुम आज जीत गए ये जंग, जंग में तुम विन होकर अभी तुम जीत का जश्न का इंतजाम करो तुम्हारे राजकोट में जाके। वहां पे तुम लोगों लोग तुम्हें फुलहार पहनाएंगे, सब लोग तुम्हारा आगता स्वागत करेंगे वहां पे। देखो मैं अकेला मतलब बैग वेग लेके ही निकला हूँ घूमने ही, समझो अब दिवाली का पीछे मतलब सोचो भाई गाड़ी में लोग पीछे आ रहे हैं। एक तोला सोना मेरी तरफ से, एक तोला सोना मेरी तरफ से अपना, एक तोला जैनिश की तरफ से, बाकी पनोड़ी भाई आपकी तरफ से 3 तोले सोने, इसको 5 तोले सोने की चैन डालो पनोड़ी भाई। ये बहुत बढ़िया आदमी भाई, इज अ विनर भाई। यार इस बंदे ने तो दिल जीत लिया यार संजय ने, ऐसा आज तक आज के इतिहास में, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ के, ऐसा भाई। हाँ के भाई जब भी बोलो बंदा रेडी रहता था के भाई आज मिल रहा है तो आज, कल मिल रहा है तो कल। लेकिन बंदे की जीत भी देखो के चलो जयपुर, सिर्फ जयपुर, चलो जयपुर भाई। हाँ अरे देखो मनोरी भैया ये लोग मतलब बोलते थे ठीक है कि कल चलो मारे, मैंने बोला चलो ये लोग मतलब 200 किलोमीटर काटेंगे स्वीप लेके आएंगे तो इन लोगों को 4 घंटे लगेंगे ठीक है। मैं मतलब निकलता मैं तो 200 जाता ठीक है, मेरी गाड़ी तो 150 चलती है, मुझे तो क्या 8 से 10 घंटे लग ठीक है। मैं तो मतलब कुछ खाए बिना डायरेक्ट पहुंचने वाला था बिना रुके हुए। वाओ ठीक, फिर मतलब ये भोसरी वाले फिर बोल दिए कि मेरे दोस्त की होटल है कोई अशोका उससे मिल लो। अब ये माधवचोद गांड मैंने तुम्हारी मारी है तो तुम मुझे मिलो ना, उसको मिलके क्या करूंगा मैं ढाबे वाले से। वाओ कितने अच्छे हमारे संजय भैया, तुम्हारी कोई गांड मार गया तुम बोलोगे 28 तक तुम वेट करोगे क्या। वाओ संजय भैया मैं तुम्हारे टट्टों की चुम्मी लेना चाहूंगा। पनोड़ी भैया एक बार ही वापिस, अरे संजय कैमरा ऑन करो रुको मैं कमेंट ऑफ करता हूँ पहले ना ना भैया। अरे 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 एक मिनट कैमरा ऑन करो संजय भैया मैं तुम्हारे टट्टो की चुम्मी लेना चाहूंगा। ओए सुमित नारंग तेरी बैंड की चूत साले हिचड़े हिचड़े, तू बैंड तो दोस्ती के नाम पे कलंक है कलंक, तुझे क्या पता दोस्ती क्या होती है मादर चोद, जिस थाली में खाता वहीं पे टट्टी करता है बहन के लोड़े तेरी बहन की चूत। पनोरी भाई ये लोग बाहर में जाते हैं वहां जाते हैं ठीक है, कभी तक आज उन लोगों के कभी तुमने रशियन वशियन देखा कभी इन लोगों के साथ नहीं देखा। मैं भोसड़ी के हवाबाजी वहां जाके 2 जनवरी 3 जनवरी मादर चोद तुम्हारा बाप है ना, मतलब मुंबई या दिल्ली से तो भोसड़ी वाला राजकोट में डायरेक्ट फ्लाइट की टिकट करा के बुलाता है। ओहो हाँ वो होता है, मैंने मैंने गुजरात में किया था एक बार, यू आर राइट, ये सिस्टम चलता है गुजरात में भाई। गुजराती लोग क्या करते हैं पता है तुम्हें सूफी भाई,
और ये छोटों को वो भी नहीं मालूम है, ये रशियन को रशियन लड़कियों को बुक करते हैं ऑनलाइन और बैंचों पूरा रहने खाने पीने का फ्लाइट का टिकट सारी चीजें देते हैं भाई। अच्छा हाँ, रंडियों को भी इज्जत मिलती है भाई, रंडियों को भी इज्जत से फ्लाइट में बुलाते हैं, इज्जत से फ्लाइट में भेजते हैं, एयरपोर्ट तक गाड़ी लेने के लिए जाती है सूफी भाई। और ये तो बहन जो रंडियों का भी पैसे खा लेते हैं, मेरे पे तो इतने केस हैं। ये तो भाई मैंने खुद देखा हुआ है और मैंने तो किया नहीं है, लेकिन जो मेरे जानने वाले है गुजरात में उन लोगों के मैंने देखा था भाई के फार्म हाउस पे ये रशियन लड़कियां बुलाते थे दिल्ली से बॉम्बे से भाई, एयरपोर्ट पे गाड़ी लेने के लिए जाए, गाड़ी छोड़ने के लिए जाए मेरे गांव में से, और भाई फूल इज्जत लड़की को। हाँ, यहाँ से उसका टिकट ही कराना रहता है और उसके बाद पीको पीको। अरे पीको क्या क्या बताऊँ, उसका थारी मानो पीको। ये भोसड़ी का बीच में पता है वो पनोरी भैया और सनाया कुछ किया थे, वो कपूर की कोई लड़की बताया था उसको, मतलब बोलते है दुबई लेके गया भोसड़ी का, वो मतलब गोवा में गान बना रहा था, नई दुबई का एक पीक भेजा उसने। किसकी बात कर रहे हो? अरे बीच में नहीं थी मेरी नई गर्लफ्रेंड है वो सनाया, सनाया कपूर क्या नाम था उसका सुपी भैया? अरे वो क्या नाम, मैं भूल गया, अच्छा नाम था, मैं भूल गया। हाँ 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 हाँ, वो बैंगलोर वाली थी, वो बैंगलोर वाली थी वो। हाँ हाँ हाँ, सानवी सानवी सानवी। हाँ हाँ, अरे वो सानवी ने खुद बोला मुझे के पनौड़ी भाई मुझे पता नहीं था कि ये भिखारी नल्ला है, वरना मैं उसको चप्पल से मार दी। वो सानवी ने सारे इसके जितने भी दिन ये लोग साथ में रहे सब पैसे वो सानवी ने पे किए है। अरे तीनों ये देखो, एक गुड्डा, एक गुड्डा लंच बल्लू बच्चे तो छोटी लुल्ली बनोरी भैया माधव चौथ को अभी मतलब लुल्ली की तो देखो आईडी उड़ा। वाओ, ये वो मतलब पागल है, फॉलोवर के लिए अभी कर रहा है जो कर रहा है। मैं तो आना नहीं चाहता हूँ, मुझे तो प्रेम चाहिए, मैं तो किसी की लाइफ में आना नहीं चाहता हूँ ना। ये पीछे से गाली मारे चोट, तुम सामने आओ ना, फोटो लेके फोटो। साले रंडी के बच्चे, तुझे पता है पनोड़ी राक्षस है, वो तुझे खाएगा नहीं, तुझे पेलेगा, मारेगा, तेरी माँ भी चोदेगा। तू अपने बाप को क्यों गाली देता है बता, क्यों गाली देता है पनोड़ी को, क्यों अपनी इज्जत कम करवाता है बता। 6,000 रुपए निकाल और पनोड़ी को बोल सॉरी, बोल पनोड़ी तेरा मैं टट्टा हूं ऐसे भाई। देखो एक मिनट सूफी भाई, एक बात बोलू भगवान कसम भाई, संजय तू मेरा फैन है क्या? नहीं है। अरे मैं कितने साल से हूँ भाई, मैं आज तक कभी नहीं आया। ठीक है, नहीं आना कभी भाई, तो भाई। सुन रहे हो, नीचे बैठ के जितने भी लोग है ना, देखो भाई ऐसे ऐसे मेरे फैन है, बेंचो मेरे लिए अपनी जान दे देंगे, देख लो भाई ये संजय को। अरे मैं ठीक है, मतलब मैं लाइव में कभी आना नहीं चाहता था मैं, मतलब नीचे बैठ के मैं कितने सालों से देख रहा हूँ। ठीक है, देखो भैया ऐसे ऐसे फैन है मेरे, और ये बहन चोद बस इनसे हवाबाजी करवा लो। मैं जब भी है ना पनोरी भैया, मैं मतलब ड्रिंक करता हूँ ना, मैं बाइटिंग नहीं खाता हूँ, मतलब तब मैं है ना एक पबजी चालू करता हूँ रात को, अपना टाइम निकलता हूँ, और दूसरा है ना आपकी लाइव देखता रहता हूँ, और बाद में ड्रिंक में मतलब बाइटिंग में आपकी गालियां सुनता रहता हूँ, समझे आप। ओहो देखो भाई इसे बोलते है फैन भाई, जो बंदा मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है, इस बंदे ने बोला कि पनौड़ी भाई आप चिंता मत करो, मां चोद देंगे बहन चो, या तो मैं मर जाऊंगा या तो दो लोगों को लेके मरूंगा। अरे उनको मालूम हो गया कि मेरा जो वहां का भी पार्टनर है ना मेरा जयपुर में जो मेरी ट्रैवल संभालता है, वो सब मतलब आनंदपाल गैंग से है, इन लोगों को मालूम पड़ गया, इसलिए गांड फट गई इन लोगों की। वाओ भाई देखो ऐसे 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 लोगों का प्यार है मेरे पास, सोचो सूफी भाई। महाराष्ट्र में जाऊ तो भाऊ का सपोर्ट, गुजरात में आऊ तो ये अपना संजय भाई जैसे लोगों का सपोर्ट, अब दिल्ली में तो मुझे बनोड़ी भाई, अरे दिल्ली में भी है ना अपना, दिल्ली में भी अपना है, कोई बताना नहीं चाहते इसमें कुछ। अरे नहीं नहीं दिल्ली में तो हमारे है ना गोल्डी भाई, गोल्डी पहलवान, मां चोत के रख देंगे गोल्डी भाई। भाई सब इतने सारे सपोर्ट है और ये मुझे अरे मुझे छोड़ो, दिल्ली आके दिखा, दिल्ली आके दिखा। और सुन बुढ़ा भोसड़ा, जिस दिन तेरा बाप इंडिया है ना बुढ़ा भोसड़ा,
तेरे घर के नीचे से नहीं, तेरे घर के सामने से मैं तुझे बोलूंगा कि बूढ़ा भोसरा तेरा बाप पनौनी नीचे खड़ा है, अब तू अपना बूढ़ा भोसरा खोल दे। ये देखो ये श्रुति गुप्ता लिख रहे कि यूपी में मैं भी बहन चो सबसे बड़ी गुंडी हूं। देखो भाई ये श्रुति गुप्ता भाई, अब तो लड़कियां भी मेरे लिए खड़ी हो रही है। सोचो भाई, मेरे तक हाथ पहुंचाने में ना, मेरे तक हाथ पहुंचाने में भाई हजारों लोगों के सामने तुम्हें पहले आना पड़ेगा। और देखो अब बात रही मामा की, भाई मामा पहली बार तू मेरे गांव जा रहा है, विश यू अ गुड लक, ठीक है भाई। तुम जाओ वहां पे, आई होप कि आपकी यात्रा अरे पनौड़ी भाई मामा मंगलमय रहे वहां पे। हाँ तो मामा, तुम मामा पांच गांव का पाटीदार हूं मैं, ये मेरे झूठे नाम की जो लोग स्टोरी लगाते हैं ये है वो है, मामा पांच गांव का पाटीदार हूं मैं। और पांच गांव क्या है चरोतर में इंक्वायरी कर ली हूं एक बार, ठीक है। और मैं तो चाहता हूं कि मामा जा, तू मामा जा धर्मज मेरे गांव, अब कल देखते हैं। चलो धर्मज कल से तो नया स्लोगन शुरू होगा, चलो धर्मज। अभी अभी है ना मनोरी भैया, मैं डेली मतलब है ना वो वैलेंटाइन पीता हूँ या ब्लैक एंड व्हाइट पीता हूँ। आज आपकी फेवरेट जो ब्रांड है ना रॉयल स्टॉक, वो पीऊंगा मैं अभी। ओह भाई रॉयल स्टॉक मेरी बहुत बड़ी बहुत फेवरेट ब्रांड है वो। मैं इंडिया में आता हूँ तो मैं वही पीता हूँ, मैं दूसरा कोई हाथ बात नहीं लगाता हूँ भाई। देखो भाई सब लोग नीचे अब कमेंट करो, चलो धर्मज अब चलो, जयपुर तो कैंसल हो गया, अब चलो धर्मज बहन चो, ये चलो धर्मज के चक्कर में मेरा गांव फेमस हो जाएगा भाई चलो चलो धर्मज अब ये लोग क्या करेंगे बताए, ये कौन है वो? देखो अभी यहाँ पे अरे भोसड़ी वाले वो जिगर बारोट में अभी चूती है, मतलब वहां पे जाके क्या करूं। अरे इन छोटे छोटे लोगों को जिनकी लाइफ पे 5 10 15 20 50 लोग जाके बैठते हैं ना, उनको जवाब मत दिया करो। चार लोग बैठे रहते हैं भाई, यहाँ बुला के कल मेरे को चप्पल मार रहे थे मादरचोद। हाँ अब चार लोग बैठे उनकी लाइफ पे हम जाएंगे तो वो तो चाहते है कि हम उनकी लाइफ पे जाए, समझते हो? हाँ वो तो चाहते है कि हम उन लोगों की लाइफ पे जाए। चलो सूफी भैया अब मैं जुआ खेलने जा रहा हूँ, तो चलो धर्मज कसिनो में जाके मैं लाइव पे आऊंगा, ठीक है। चलो संजय भाई, जयपुर तो जयपुर नहीं जाना है ना, तो नहीं जाना है, बात खत्म नहीं जाना है, बात खत्म हो गई। और भैया पे भी उसको मिलना हो ना तो डीके के पास एड्रेस है, यहाँ पे भी आ जाइयो, राजकोट गुजरात करीबे भी आओ तो भी मिल लेना। सुमित नारंग सुन, बहन के लोड़े तेरी बहन की चूत में लंड डाल दूं मादर चोद, तेरे में थोड़ी सी भी शर्म है ना, बहन चोद के पेटीएम करके मार मेरे मुंह पे लाइव पे और स्क्रीनशॉट दिखा के बोल ये देखो मैंने सूफी को पैसे दिए। सही बात है, असली मर्द का बच्चा ना हिजड़ा नहीं है तू, लोगों के टुकड़े पे पलने वाला नहीं है ना मादर चोद, डाल मेरी गांड में पैसे और दे मेरे को गाड़ी। सही बात, ओह सूफी भाई अच्छा हो, ये लाइट मादर चोद बहुत दिन, वाह तेरे पास ये लाइटर यार बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिन, हाँ बहुत दिन हो गए थे सूफी भाई, मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ एक्चुअली, ये देखो 5 महीने से ये पैक लेके रखा है मैंने, अभी उसमें से 2 सिगरेट खत्म हुई है। आप नहीं स्मोक करते ना पनौड़ी भाई? लेकिन आज पीऊंगा मैं स्मोक नहीं करता। पैसे देगा ना मेरे को तो ये पैसे ना गौशाला में दान कर देंगे, जिस भी गौशाला में बोलोगे ना पनौड़ी भाई, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बोलोगे वहीं पे दान कर देंगे, बस इसको बोलो पैसे दे। अरे बात 5-6 हजार की माँ का भोसड़ा बहन जो इतने के तो हम दारू पी जाते हैं भाई, इतना खाना पीना खा जाते दिन में 5-6 हजार का, तो बात वो नहीं है, बात ये भिखारी लोग ना जो हवाबाजी कर रहे हैं, हम ये हम वो है,
कुछ नहीं है, खाली लिफाफे हैं बहन के लड़। इनको बोलो पैसे। अरे भाई मैं हर रोज स्मोक नहीं करता हूँ, पागल हो बहन के लौड़ो? ये 2 महीने बाद एक सिगरेट पी रहा हूँ, आई नेवर स्मोक, और मुझे स्मोक करना भी नहीं आता। लेकिन ये मार्बोरो रेड 100, मार्बोरो रेड 100, ये मेरी फेवरेट ब्रांड है भाई। उसका पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, मार्बोरो रेड 100। और डिब्बी का स्टाइल बहुत सही है ना उसका। हाँ, गिरावा इंसान भाई नहीं आएगा लाइव पे। ले भाई पनोड़ी भाई, तेरा कजन आ गया। ये भरवे को है ना जयपुर में यही बुला था मैं। संजय ये होटल में इसके आने की औकात नहीं है होटल में, देखो ये जो। अरे ये हवाबाज है, हटाओ इसको। ये बोल रहा था मैं पनोड़ी भैया तुम्हारे लिए टोबेको के डब्बे भेजूंगा बेंचोद, वो कुरियर भी आ गया। अरे कुछ भी आया। अरे अमानत थी तुमने बुधवार सुधी में मरी जैसे बात नहीं गई। अरे कहाँ हटा दिया, मजाक कर रहा था यार। अरे यार आप अरे तुम भी ना पनोड़ी भाई बेंचोद कुछ भी बोल दे दो यार। अरे मजाक कर रहा था मैं, वापिस ले लो उसको। अरे है कहाँ पे वो, अरे वो लाइव ही छोड़ गया भाई। अरे नहीं नहीं अच्छा बंदा है, उसको ले लो भाई। क्या नाम था उसका भाई, नीचे उसका नाम बोलो। ले लिया ले लिया। तपन, तपन नाम है उसका। आप ही ने तो कहा था गोंड पे लात मार के नीचे कर दो, मैंने कर दिया। बहुत मजा आता है गोंड पे। अरे नहीं नहीं वो अच्छा बंदा है यार। ए किकी, तपन त्रिवेदी नाम है उसका। ले लिया भाई। अरे तो गुजराती नहीं है त्रिवेदी, ये तो उत्तर प्रदेश साइड के होते हैं ना त्रिवेदी। अरे गुजरात गुजराती है, गुजरात के मैं। अरे गुजराती है ये। ले लिया त्रिवेदी को, ले लिया मैंने, अभी ऐड नहीं हो रहा बता, रुक दोबारा ऐड कर रहा हूँ त्रिवेदी। अरे त्रिवेदी, अरे तपन आ जा बहन के लौड़े, मजाक कर रहा था, पागल है क्या? हाँ ये कह रहा था रजनीगंधा भेजूंगा मैं, ये भेजू। अरे उसने टोबेको का वो उसने बोला ऐड। शू मगज नहीं मार पा रहे हो तुम्हें? हेलो एसी करूं पड़ी विंटर में। गर्मी अच्छा। लग गई आपकी लाज से, गर्मी लग गई तो वेनसडे को मिलेगा। हाँ वेनसडे थी गुरुवार सुधी में तुमने नाखी दे, हूँ थोड़ो बाहर आयो तो भाई शिकागो नहीं एटले। अच्छा भाई तपन ने मेरे को एक गाली सिखाई, तारी मानो पी को ऐसे बोला, बोल सूफी बोल। ओ भाई 5 मिनट सूफी भाई शांति रखो यार। तारी मानो पी को यार पी का आया मुझे। अरे मैं भाई भाईचारे में आता हूँ यार, आप लोगों की इज्जत करता हूँ, आप सब मेरे भाई है, मुझे वो सब में कोई मतलब नहीं है। पन्नोड़ी भाई इसको इसको खुशी शर्मा से प्यार हो गया था, लेकिन खुशी शर्मा ने उसको लात इतनी मारी कि ये बंदा पता भाई क्या हुआ तेरा खुशी शर्मा के साथ आगे। उसने मेरे को ऐसी लात मारी कि मैं जॉर्जी आके गिर गया। ओ अरे जॉर्जिया में तो वो मोटा है, मोटे को मिलके जाता तू। मैं जस्ट भाई अभी सुबह आया हूँ, सोमवार मंगलवार 2 दिवस यहाँ छू मैं, बुधवार उनको फोन करता हूँ, मेरे पास है पड़ा है उनका फोन नंबर। अच्छा भाई अब मैं जाऊंगा जुआ खेलने। आज छुट्टी पे हो पंडोनी भाई? छुट्टी पे मतलब यार अब हम तो अपनी अपनी मर्जी से जाते, मतलब के मतलब यार आज आज आपने लीव ली है ऐसा ऐसा बोल। नहीं संडे को मैं बिजनेस के कुछ काम नहीं करता भाई, संडे को पूरा फोन ही रिसीव करता हूँ मैं बिजनेस के, अदरवाइज दूसरा हेडेक नहीं लेता मैं। पर तुम्हें मारो डीएम तो चेक करो क्या काम करो। यहाँ पे हिंदी बोल, यहाँ पे कोई गुजराती मत है नीचे। यहाँ पे ये चुदिति पटेल की लाइव नहीं चल रही है जो तू गुजराती में बातें कर रहा है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि डीएम चेक करो उसमें कुछ भेजा है भाई, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ तो कर लूंगा चेक मैं अभी। ओके एंड डोंट वरी, वो आपको इस वीक में 110% मिल जाएगा, डोंट वरी। अच्छा
दो बोले थे, मैं चार और पांच डाल देता हूँ, ठीक है, यूपीएस कर लूंगा, डोंट वरी। अच्छा, और सुफी भाई आप लाइव कंटिन्यू करो और मजे करो, ठीक है भाई। ओके भाई, शुक्रिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय। हाँ भाई, राइट। तो मुझे सिगरेट पीना आता नहीं है, मैं खींचता हूँ और यहीं से बाहर निकालता हूँ, खींचता हूँ यहीं से बाहर निकालता हूँ। ऐसे मुझे अभी एक बंदे को ऐड कर रहा हूँ भाई, पनोड़ी भाई, आप देख लो भाई, ये भी बहुत बड़ा बकचोद है भाई। शेरनी का भाई एक ही चीज होगी, शेरनी का कुछ हो। आप मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या कहता हूं, अभी आप शेरनी को गाली मत दो, और मैं शेरनी को बोलता हूं कि वो पनोड़ी के बारे में कुछ नहीं बोलेगी, आप शेरनी का मैटर खत्म कर दो भाई। अरे वो तो खिलौना है यार, उसके साथ तो मर्जी चाहे खेल लो। अरे नहीं, उसको छोड़ दो अभी, पनोड़ी भाई शेरनी को छोड़ दो आप, मैं मेरे लिए आप उस मैटर को खत्म कर दो, और मैं शेरनी से बात करता हूं, आप शेरनी को, अरे पटेल आजा भाई लाइव पे, कल तू बहनचोद, तूने पनोड़ी भाई को लाइव के ऊपर दारू पिला दी स्टोर के ऊपर, अभी तू लाइव पे नहीं जुड़ रहा हमारे साथ। क्लियर किया था ना, क्लियर तो पीते नहीं है। ये नारंग आया शायद, नारंग आया क्या पता नहीं, ऐसी मुझे लगा उसका फेक आईडी है, क्या है? नहीं नहीं, फेक आईडी, फेक आईडी है भाई, सॉरी सुफी भाई। तो भी पनोड़ी भाई, हाँ नहीं है भाई, इधर नहीं है। तो बताओ पनोड़ी भाई क्या करना अभी, देखो भाई, पनोड़ी भाई मतलब देखो तुम्हारी वाली बोतल आ गई, मैं जा रहा हूँ पनोड़ी भाई स्टॉक, मैं तुम्हारे नाम की पीऊंगा तुम्हें जो अच्छी लगती हो। ओहो, रॉयल स्टैग, वाओ जबरदस्त, ठीक है चलो, तो मैं जा रहा हूँ अभी, मतलब अब तो मैटर खत्म ना, मैटर खत्म, आप एंजॉय करो, जीत का जश्न बनाओ आप। ओके चलो भाई, आपका सिस्टम ओके है भाई, ठीक है चलो सुमित भाई, बाय। हाँ भाई, राम नाम, बढ़िया किया भाई हमने। हेलो, अरे कहाँ, बड़े ये फेक आईडी है सुपी भाई। अरे मैं फेक नहीं हूँ। तो कैमरा ऑन, तो सामने आ कैमरा ऑन करके, ऐसे चूत फेंक के मारूंगी मैं, आंखें फूट जाएगी, कान का लोड़ा। नहीं देखो ये तो हटा दिया, फेक है नहीं, मैंने बोला इसको हटाओ, ये फेक है। बट ये जब पहली बार लाइव पे ऐड हुई ना भाई, ये भाई वो बोल रही थी, क्या कहते हैं इसको, लड़की की आवाज में आवाज बात कर रही थी। अरे फेक है यार वो, मैंने आवाज सुनते ही पहचान लिया ये फेक है। सही बात है, सही बात है भाई, पूरे इंस्टा में एक बंदा बहुत डिसेंट लगता है मेरे को, वो है ये हैरी गुजराल, वो जिंदा है अभी? अरे बहुत डिसेंट आदमी भाई वो, मतलब ना तू में ना तेरा में, अपने वर्कआउट पे वर्क करता है भाई वो, बहुत सही बंदा भाई मेरे को, बहुत राइट, किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं गिरता भाई वो। वो क्या नाम है उसका, अभी एक अकाउंट आया था उसको ऐड करना था ना, किसको नाम बताओ, अरे को सूफी भाई हद हो गई यार, ये बैंचों इतनी रात को इतने लोग बैठे हुए हैं, 1918 ऐड पे ऐड कर रहा हूँ भाई, ऐड पे ऐड कर रहा हूँ, आप चिंता ना करो, सबको कर रहा हूँ भाई। अभी देखो श्रुति गुप्ता को रिक्वेस्ट भेजी मैंने, डिक्लाइन कर दिया भाई उसने, और बताओ। वो बालियान को ले लो, उससे 80,000 लेने हैं मुझे,
बालियान से 80,000 लेने हैं, पता है ना आपको, 40-40 हजार के आपने दो ट्रांजेक्शन किए थे मेरे कहने पे पेटीएम, जब वो गांव जाने की बात करता था, याद है ना आपको? हाँ, अच्छा वो पैसे उसने दिए मत अभी आपको? अभी नहीं दिए, उसने वादा किया था कि मेरी यूट्यूब चैनल चल जाएगी तो मैं पैसे आपको पनौड़ी भाई दे दूंगा, उसको ऐड करो आप, आज उसकी क्लास लगाता हूँ मैं। उसको ऐड करो। अरे बाल्यान तो लाइव पे नहीं है भाई, बाल्यान को लाइव शेयर करो पहले भाई। जय अंबे प्रेम, वो बाल्यान को लाइव शेयर करो भाई, आज इसकी हवाबाजी निकालता हूं मैं। सब लोग जिंदगी में ये करना चाहिए, जिंदगी में वो करना चाहिए। अरे भोसड़ी के जिंदगी में सब कुछ करना चाहिए, लेकिन मेरे 80,000 तो दे दे। ऐड करी सूफी भैया। हेलो जी सूफी जी, पतनौड़ी जी, कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ, और कैसी हो? एकदम अच्छे हैं, आप बताइए। और कहाँ से हो? मैं यूरोप से, अपनी बात हो चुकी है जब वो आपका फोटो फ्रेम बनवाया था उसने, सिमरन ने। सूफी जी कैसे हैं? राम राम जी, बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। गर्ल बहुत बढ़िया। हाँ जी राइट, पनौड़ी भाई ये भी आपकी तरह पनौड़ी है यूरोप में। क्या बात कर रहे हो? हाँ ये भी यूरोप में पनौड़ी है, दिखाओ तुम्हारा स्टोर, दिखाओ घुमा के कैमरा फ्लिप करके दिखाओ। अच्छा कैमरा, बट ये कच्ची बनियान बेचती है भाई, चड्डी बनियान बेचती है? नहीं नहीं, मैं कच्ची, मैं चड्डी बनियान नहीं बेचती, स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचती हूँ। आप उसको कच्ची मत बोलो, शर्म आती है। अरे स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी तो कच्ची बनानी है ना भाई। तो वो छोटे बच्चों का बेचते है, 10 साल तक के बच्चों का, बड़ों का नहीं। अरे हम तो बड़ों की बात नहीं कर रहे भाई, छोटे बच्चों की बात कर रहे। तुम भी ना भाई कल निकाल लेती हो भाई लाइव का। और क्या चल रहा है तुम्हारा, सब कुछ ठीक ठाक? बिल्कुल बिल्कुल, साईं बाबा की दया है, सब ठीक चल रहा है। आप कैसे हैं पनौड़ी जी? बस मैं तो ठीक ही होता हूँ हमेशा, अपना क्या। ये इससे जोड़ी जमा लो भाई, आप इससे जोड़ी जमा लो, ये भी पनौड़ी भाई, आप भी पनौड़ी भाई, ये इसका भी बड़ा स्टोर है भाई, आपका भी बड़ा स्टोर है भाई। अरे लेकिन ये तो शादीशुदा है, आप शादीशुदा हो ना? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, हम शादीशुदा है। तो फिर बिल्कुल, मुझे लगा भाई आज जोड़ी जम जाएगी। अरे ये बालियान को ऐड करो, बालियान को आ गया, किसको ऐड करो? किसी और को ऐड करना हो नो प्रॉब्लम, किसी चौथे पर्सन को। आप बार्सिलोना से हो ना? जी मैं मैड्रिड से हूँ, पहले बार्सिलोना थे, अभी मैड्रिड। स्पेन, मैड्रिड। अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, ये मेरा हेंजू है, भाई बार्सिलोना। वाओ, भाई बार्सिलोना। हेलो भाई, वो सॉन्ग है उड़े दिन के आसमां में परिंदे, वो एक सॉन्ग है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसका मोस्ट ऑफ शूटिंग बार्सिलोना में हुआ है। यस यस, बार्सिलोना राइट, बार्सिलोना में, वो जो बार्सिलोना से, वो मैं दूसरी सिटी भूल गया, वो लोग वहां से, मैंने ट्रैवल किया हुआ है, वो पहाड़ियों के ऊपर से वो जो रास्ता जाता है वो, राइट? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। या आई बीन टू देयर ऑल ओवर द यूरोप बड़ी। अच्छा अच्छा, शकीरा का भी हुआ था बार्सिलोना में, रामबला में, बहुत अच्छा हुआ था उनका। अभी इस साल फीफा होने वाला है ना, ये शायद दोहा में। हाँ हाँ जी, तो भाई मैंने एंड्रिके इग्लेसियस के बहुत सारे कॉन्सर्ट मैंने ज्वाइन किए हुए है साओ पोलो में, ब्राजील साओ पोलो में। या ओके राइट, तो ये तो मैंने पिछले अपना ये ले लो 2 साल से ये ट्रैवलिंग बावेलिंग यू नो वो बहुत सारी चीजें कट ऑफ, मतलब 100% कट ऑफ कर दी मैंने, वरना भाई आपका बार्सिलोना ये, फिर अपना ये ले लो जहाँ पे यूजुअली जो नशेड़ी लोग जाते हैं, आपका स्पेन का ही है वो, एक मिनट मुझे याद आने दो, बालेंसिया? नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं 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 नहीं, सांता मांत्रा, सांता, ओके, हाँ सांता पोला, सांता पोला,
सांता बोला सांता मंत्रा भाई यहाँ पे है ना सूफी भाई सब ड्रगिस लोग जाते हैं। राइट राइट हाँ तो वो सारी जगह पे भी मैं बहुत घुमा हूँ। एनीवेज चलो वो बातों को अटके बिल्कुल बिल्कुल भाई बालियान तू मेरे अच्छी अरे नहीं नहीं आप बैठो इसमें कोई गाली गलौज नहीं होगी भाई बालियान तू मुझे ये बता तू मुझे 80,000 कब देगा? वो मेरा मैटर नहीं था भाई। सूफी भाई किसका मैटर था आपने किसको दिलवाए थे? अरे मयूर था नहीं उन्हें ही बोला था मेरे को पैसे दिलवाओ। अरे तो बोला मैंने था तो एक बात सुनो मैंने कितने दिन की गारंटी ली थी। और यार पनोड़ी भाई मेरी बात सुन लो आज मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ बैंक तुमने 1,000 लाइवों पे बोला मेरे को ये बात की 80,000 बालियान ने लिया 80,000 बालियान ने लिए। भाई देख बालियान जब तू एक बात तू मानता है कि जब तू गांव छोड़ सॉरी तू गांव पे वापस जाने वाला था तो तूने मेरी पर्सनल बात क्यों कर रहे हो आप? मेरी मैं गांव छोड़ रहा हूं तो वो चीज मत करो वो चीज तो मैं तो पर्सनल बात ही करूंगा ना भाई। जब तू गांव अपने गांव पे वापस जाने वाला था जब पहली बार तुझे सूफी ने 2,000 रुपया का पेटीएम किया था उसी टाइम पे तुम लोगों ने मुझे बोला था कि भाई 80,000 की हेल्प कर दो पनोड़ी भाई वो फ्लैट का कुछ तुझे रेंट बैंड ये सारी चीजें थी तूने ये बोला था। सुनो सुनो उसमें मैंने मैं उस मैटर में बीच में था लेकिन वो पैसे मेरे पास नहीं आए थे। ये पूछो इनके ट्रांजैक्शन देखो किसके पास हुए थे। आदित्य बालियान मैंने तो तुझे दिए ना 80,000 तूने खुद बोला था कि तेरी YouTube लाइव चल तेरी YouTube चैनल चल जाएगी उसके बाद तू मुझे पैसा वापस दे देगा भाई तेरी तो YouTube लाइव सॉरी तेरी YouTube तो चैनल चल पड़ी पनोड़ी भाई। अरे तो भाई वो पैसे मेरे पास नहीं है पैसे आपने किसी मेरे कहने पर आपने दिए मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ लेकिन वो पैसे तो किसी और बहन के लड़ने को गए हैं। सूफी भाई से पूछो किसको दिया भाई तुमने सूफी भाई। आदित्य बालियान मैं तेरे को एक बात बताऊं मुझे ना ये बात कहते हुए बेहद अफसोस हो रहा है भाई तेरे जैसा नकली दोस्त मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैंने गारंटी ली तेरे लिए ताकि सुन ले स्टैंड हो जाए